IBNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धुलकोट क्षेत्र के बोरी बुजुर्ग की CM राइट स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते आज स्कूली छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उसी के चलते CM राइट स्कूल में अध्ययनरत करीब 500 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने बोरी बुजुर्ग के बस स्टेशन पर चक्का जाम किया एवं स्कूल प्रशासन और प्राचार्य हाई हाई के नारे लगाए। जब स्कूली छात्र छात्राओं की चक्का जाम की खबर प्रशासन कौन लगी तो मौके पर धुलकोट तहसीलदार उदय सिंह मंडलोई और धुलकोट चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाइश देकर स्कूल परिसर में लाए, लेकिन बच्चे तपती धूप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ अपने हक की लड़ाई के लिए नारेबाजी करते रहे। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग आए, उस समय बच्चों ग्राम पंचायत के सामने चक्का जाम कर रहे थे। बच्चों से बातचीत करी और हम लोगों ने जिला DO और DPC से चर्चा करी। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, तब हमने बच्चों को आश्वासन दिया कि आपके DO और DPC आ रहे हैं, आपके जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आपके वो आ रहे हैं, ताकि आप लोग अभी चलिए स्कूल में, आपके स्कूल में। तो बच्चे यहाँ पे आए हैं। किन चीज़ों को लेकर बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? उनका ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जो पढ़ाने वाले टीचर वगैरह नहीं है, कुछ बुक्स निःशुल्क रहती है वो भी नहीं अभी उपलब्ध हो पा रही है। तो इसी कारण से, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक एग्जाम भी हो चुकी है और अभी तक हमारे यहाँ पे टीचर नहीं है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह के जो हैं उस संबंध में उनकी मांग है। सर, क्या नाम आपका? उदय मंडलोई, तहसीलदार। जी सर, थैंक यू। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर बैठकर। और हमारे स्कूल में ना अभी तीन महीने तक पेपर ख़त्म हो गए हैं और अभी तक टीचर नहीं आए हैं। और पिछले साल भी ऐसा ही था, कुछ मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए थे पूरे हमारे। पिछली बार भी चार पाँच प्रश्न पाठ होते हैं, बाकी कहीं नहीं होता है। और इस साल भी वही हाल रहेगा, तो फिर हम इस साल भी हमारा साल पूरा खराब हो जाएगा, भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? हमको टीचर हमारे क्लास में होना करा था सर, और जल्द से जल्द। क्या नाम आपका? मेरा नाम है फिजान चौहान, कक्षा 12वीं का बायो का स्टूडेंट हूँ।